पूरी जिंदगी निकल जाती है मनुष्य की, पर शिव को पहचान नहीं पाते। क्योंकि भगवान शंकर आपके नजदीक में रहते हैं, एक बहू तुम्हारे साथ में रह रही है और एक बहू दूर रह रही है, एक बहू तुम्हारे पास में है तुम्हारे साथ में है और एक बहू तुमसे दूर है। जो बहू तुम्हारे नजदीक में रह रही है तुम्हारे साथ में रह रही है तुम्हारे पास में रह रही है, तुम उसको पहचान नहीं सकते। आप उसे पहचान नहीं पाओगे। जो दूर रह रही है आपको ऐसा लगेगा कि वो ठीक है, वो श्रेष्ठ है, वो दूर है। जो नजदीक है, जो हमारे करीब है, जो हमारे पास है, हम उसको पहचान नहीं पाते। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं और भगवान शिव मृत्यु लोक में रहते हैं। अब मृत्यु लोक में जो देवाधिदेव महादेव रह रहे हैं, ये हमारे करीब में, हमारे पास में, हमारे नजदीक में। ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में हैं और भगवान शिव मृत्यु लोक में। हमें ऐसा लगेगा कि हम ब्रह्म लोक के देवता को श्रेष्ठ मान लें, हमको ऐसा लगेगा कि हम वैकुंठ लोक के देवता को श्रेष्ठ मान लें, हमको ऐसा लगेगा कि हम उनको श्रेष्ठ मान लें, और हमारी बुद्धि से हम देवताओं में भेद करते हैं। हम अपनी बुद्धि से देवताओं में भेद करते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है कि देवताओं में भेद कभी नहीं होना चाहिए। देवताओं में भेद श्रेष्ठता नहीं है। कोई तुमसे कह दे कि ब्रह्मा बड़े हैं, कोई तुमसे कह दे कि विष्णु बड़े हैं, कोई तुमसे कह दे शिव बड़े हैं, इन तीनों के क्रम में अगर हम अंदाजा लगा कर देखें, इन तीनों के क्रम को अगर हम देखें, तो भगवान शिव के ऊपर जो जलाधारी रगाती है, भगवान देवाधिदेव महादेव के ऊपर जो जलाधारी रखाती है, वो उसमें तीन टेकियां होती हैं और तीन टेकी के ऊपर हम जलाधारी को रख देते हैं और फिर वो जलाधारी में से एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिरता रहता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन जो टेकियां हैं, ये हमसे कहती हैं, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, और उस पर रखी हुई जलाधारी में से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, वो ये दर्शाता है कि ये तीनों अलग नहीं है, ये तीनों एक हैं और इनका संगठन।